नमस्कार। जैसा कि आप मेरे बारे में तो जानते ही हैं, काफ़ी वीडियो आपने देखे हैं। जैसे कि आज 25 अगस्त है और हम हमारे जो किसान साथी हैं सत्येंद्र जी करसोड़ा गांव से, जिला जींद में पड़ता है ये, और इनके फार्म पर आए हुए। इनकी धान जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये ओनली केवल वेस्टी कंपोजर के माध्यम से जो इनने धान अपनी खेत में लगा रखी है, तो उसके बारे में हम अपने किसान साथी से बात करेंगे। तो सत्येंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप बताएं कि आपने कब से वेस्टी कंपोजर की शुरुआत की है, कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताने का कोशिश। मैंने डी कंपोजर यूज जीरी में यूज किया है। पहले मैंने डाला था नहीं, मैंने पता था मैं जीरी के साथ इसमें जुड़ा हूँ। मैंने एक दो सपरा किया है इसमें डी कंपोजर का, और इसमें मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है। लाले एकदम तो यूरिया खत्म नहीं होता, थोड़ा हल्का हल्का दिया मैंने दिया इसमें। आगे से मैं बिल्कुल यूरिया नहीं गिरूंगा जमीन में। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, जमीन भी बढ़िया दिख रही है, नीचे से बुरबुरी माटी बनने लग रही है, केचुए पैदा हुए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है इसका। तो आपने जैसे वेस्टी कंपोजर किस प्रकार दिया अपने खेत में, पानी के द्वारा कितना दिया, छिड़काव कितना किया, उसके बारे में बताएं। पानी के द्वारा दिया है मैंने अब तक 1000 लीटर बस पर एकड़ के साथ। छिड़काव किया हमने हाथ वाली टंकी से, मैंने सपरा किया है टंकी पर। टंकी के लिए मैंने 5 लीटर 4.5 लीटर की एक पीपी थी उसमें वो डाला था, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो 1.5 लीटर वो साथ में डाल के उसका मैंने 8-10 टंकी पर एकड़ के साथ मैंने मारा है आध के लिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया उसने, मेरे जरिए एकदम फ्रेश है, साफ है। जैसे कि आज हमारा अभियान है कि जहर मुक्त किसान, जहर मुक्त खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। उसके लिए किसानों को जैविक खेती अपनाने के बारे में बार बार उनको राय देते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप ये यूरिया छोड़िए, डीएपी छोड़िए, रासायनिक दवाएं छोड़िए, उसके बारे में सत्येंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 साल में यूरिया डीएपी और कीटनाशक दवाई बिल्कुल अलग से दर दूंगा। भैंसों में मानसों में इतनी खतरनाक बीमारी पैदा हो रही है, एक एक भैंस 3-3 बार नहीं रड़ती है फिर वो डटती है, तो ये सब यूरिया की मेहरबानी से बढ़ता है ये सिस्टम सारा। तो मैं सारा सिस्टम खत्म करके अपना खुद बगैर यूरिया कीटनाशक जैविक खेती आप करना चाहेंगे, तो दूसरे किसान भाइयों को भी आप इसके बारे में राय देना चाहेंगे? देखो फुल राय देंगे हम, जितनी मारे मतलब 2 साल के बाद अपने आप किसान हमारा दौरा आने लग जाएंगे। ये हम किसानों ने बताओ, किसान फिर अपना आप हमारा दौरा आने लग जाएंगे। भाई साहब हमने हमारा भी करवा दे, हमारा भी करवा दे, तो हम सारे किसानों ने बढ़िया रह देवांगे और बढ़िया मतलब उसका खुद जाके। अच्छा, इसकी लागत जैसे हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, आपकी खेत में लागत में कितना प्रभाव आप देख रहे हैं, लागत जो किसानों ने जो आज तक इसमें करा के यूरिया डीएपी जो डाल रखी है? लागत का मतलब यो है, जो जहाँ से मैं दवाई लेता था वहाँ पर अब की बार वो दुकान वाला नौकर है तो और किसी का ले हुआ है। मैं नौकर हूँ, मैं अपने खेत में डीकम्पोजर यूज कर रहा हूँ, मैं किसी से कीटनाशक दवाई नहीं ली, हरनामा गिरदा हरनामा आगे डालू मतलब मैं अपना खेत में खुद तैयार कर रहा हूँ सारा सिस्टम, मैं किसी दुकान पर नहीं जाता। कीटनाशक भी नीम का सब बना रखा है मैंने, आगे बिल्कुल खत्म कर दूंगा, मैं दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरे 4-4.5 किलो की खेती करता हूँ, मेरा 5.5 किलो फायदा हो जाएगा, वो होएगा क्यों, वो बचत पैसों की बचत आ जाएगी उसे, मतलब धान भी अच्छा होगा, गेहूँ भी अच्छा होगा, खाने में भी स्वादिष्ट होगा, बीमारी भी हमारे शरीर से दूर होगी। तो आप ये चाह रहे हैं कि इस रासायनिक खादों और रासायनिक दवाओं से हमारा पीछा छूटे, कहने की बात ये आपकी? तो किसान भाइयों, आपने सत्येंद्र की जुबानी आपने जो सुना, इन्होंने वेस्टी कंपोजर का इन्होंने पिछले 4-5 महीने पहले ही पता चला था, और उन्होंने 1000-1000 लीटर के अपने खेत में ड्रम बनाए, और ये जो हमारे साथी को जो सोनू है उसके बारे में आपने सुना भी है, उसने देखा भी है, तो उन्हीं के किसान साथी हैं। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इन्होंने जैविक खेती अपनाने के लिए किसानों को भी इस बारे में राय दे रहा है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अभी तो देखते जाइए कि ये वेस्टी कंपोजर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगा, तो जो किसान इसको अपना रहा है, जो किसान इसका विधिवत रूप से प्रयोग कर रहा है, उसको अत्यधिक फायदा अपने खेत में मिलने देखने को मिल रहा है। मिट्टी अच्छी हो रही है, मिट्टी मुलायम हो रही है, और यानी भड़वार भी एक ये कहें कि हमें बहुत अच्छी बढ़ रही है। देखो भाई, हमने अमित भाई का साथ मिला है, बढ़िया राय मिली है, हमने जब बारी फोन किया हमारा फोन उठाया है, हमने इसके सहारे से हमने ये शुरुआत करी है,
हमने मतलब बहुत फायदेमंद होने लग रहा है इस चीज में, तो हमें इस भाई का मतलब हमने एक किस्म का बड़ी आदमी मिल गया है, तो हम इसके आभार हाँ। तो आगे मतलब हमारे मतलब बचत है जो कुछ है, ये सिर्फ अमित के कारण हुई है, हमने इसकी रैली का हमने सारा काम तैयार किया। 2 साल में हम इस मतलब जमीन को इसी बना देंगे, तो दूर दूर के आगे देखेंगे हमारी जमीन को कि क्या कर रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर बताने बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9991667283, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो बढ़िया रहे देवेंगे को भाई आगे हमारे खेत में भी देख सके बना रहे हैं तो किसी भी टाइम फोन कर सके, हम बढ़िया रहे देवेंगे, बढ़िया तभी बढ़िया देवेंगे, कोई झूठ नहीं पाओगे हमारे। धन्यवाद सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस किसान साथी ने ये वीडियो नया देखे वो बेस्टी कंपोजर को मंगवाए और अपने खेत में प्रयोग करें। तो मैं फिर से दोबारा से राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार हूँ उन 2 जावाजों का जिन्होंने इतनी अच्छी एक विशेषज्ञ करके बिल्कुल इन्होंने तो किया ही किया। उसके साथ साथ जो हमारे निदेशक महोदय हैं डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी और हमारे संयुक्त निदेशक महोदय डॉक्टर जगत सिंह जी ने जो दिन रात एक मेहनत करके किसानों के बीच में वेस्टी कंपोजर पहुंचाने का काम किया, उनके हम आभारी हैं और आभारी रहेंगे। इसी के साथ जय जवान जय किसान, नमस्कार।